और छोरो के हाल तो आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक और खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस जैसा आप सभी जानते हो लास्ट एपिसोड में मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि माइनक्राफ्ट के एपिसोड जल्दी से जल्दी आए तो तुम लोगों को बस दबाकर माइनक्राफ्ट की वीडियो को शेयर करना होता है और दबाकर लाइक करना है ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोगों को माइनक्राफ्ट की वीडियोस पसंद आ रही है या फिर मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूं। तो इसका परिणाम तुम्हें पता है क्या निकला, जो अपनी लास्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो थी ना, जो लास्ट एपिसोड था, वो अब तक का सबसे ज़्यादा व्यू माइनक्राफ्ट एपिसोड बन गया है अपना और सबसे ज़्यादा लाइक्ड एपिसोड भी। मतलब उस वीडियो पर अभी तक 800 लाइक से ज़्यादा लाइक हो चुकी है। मतलब तुम लोग इमेजिन ही कर सकते हो भैया कितना, मतलब कितना खतरनाक तुम लोगों ने प्यार दिखाया उस वीडियो पर, और तुम्हारा प्यार देखकर मेरी भी आंखें भर आई। तो इसीलिए तुम देख सकते हो है ना अगला एपिसोड कितना जल्दी आ गया, वरना बाकी के एपिसोड तो महीने महीने लग जाते थे आने में। पर इस बार मैं भैया जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी तुम्हारे लिए अगला एपिसोड लेकर आया हूँ। और तुम लोग अगर चाहते हो कि फ्यूचर में भी एपिसोड इसी तरह आते रहे तो तुम्हें बस दबाकर वीडियो को लाइक करना है और या शेयर करना है, बिल्कुल दबाकर शेयर करना है। अगर तुम ठंडे पड़ोगे तो फिर मैं भी ठंडा पड़ जाऊँगा एज यू नो है ना, क्योंकि या मैं पूरी रात बैठ कर वीडियोज़ बनाता हूँ। और खैर छोड़ो, ये तो मेरा लालच है जिसका कोई अंत नहीं है, ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए हमारे होने वाले हैं दो टास्क, ठीक है। पहला टास्क है अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना, क्योंकि भैया कब तक मैं इस तरह नाव में सोऊंगा या फिर बंजारों की तरह भटकता रहूंगा है ना। और दूसरा टास्क, जब अपना घर बन जाएगा तो उसके बाद अपन लोग जाने वाले हैं समुंदर में एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि भैया तुम देख सकते हो यार काफ़ी बड़ा समुंदर है। और जब से अभी तक अपन ने ये गेम खेलना स्टार्ट किया है अपन ने एक भी शिपरैक या नहीं खोजा है, तो मैं एक शिपरैक खोजूंगा या उसमें बहुत मजा आने वाला है। पर फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। भैया मेरे कछु समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, पर जो मैंने अभी अभी एपिसोड पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूं ये वाला, और जब मैं इसको एडिटिंग कर रहा था तब मुझे मालूम चला कि इसके स्टार्टिंग का ही 12 मिनट की फाइल मिसिंग है। अब वो पता नहीं कैसे है मिसिंग, वेल उसका रीजन तो मैं जल्दी आ गया आगे बता दूंगा, बिल्कुल मुझे पता है अच्छे से। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने क्या क्या मिस किया, ठीक है। अपन रात में आ गए थे, जो वो पीछे तुम्हें दिख रहा है उसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसा मैंने कहा तुमसे वो भी आगे वीडियो में जल्दी आने वाला है सीन, तो वो भी तुम देख लोगे। वेल देखो ऐसा हुआ था कि मैं जब इंट्रो कंप्लीट करके यहाँ आया ना तो काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं सोच रहा था भैया मेरे ब्लेजर्स के पीछे पड़ लिए ज़ॉम्बी, तो मैं उनको बचाते बचाते मतलब याद बिल्कुल इसी आराम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर है एक आयरन गोलम हमारे एरिया में जो तुम देख सकते हो उछा उछा के पीट रहा है, बिल्कुल हमारे पास एक ही है हमारा संरक्षक, जिस वजह से भैया उस पर बहुत प्रेशर था। तो मैंने सोचा मैं भी इनकी हेल्प कर दूँ, वैसे तो मैं सोने के लिए बेड ढूंढ रहा था बट मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है। और जो मेरे ब्लेजर्स हैं इनका पता नहीं क्या दिमाग खराब है, आराम को घर के अलावा पूरे गाँव में भटक रहे हैं बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि जो ये अपने ब्लेजर्स है ना इनको भैया एक फुल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, फुल कतई जेड ब्लैक प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी इनको, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा था। ये पूरे 12 मिनट पहले मैंने इनकी रक्षा कर रहा था रात में बिल्कुल है ना, इसलिए वो 12 मिनट कोई ज़्यादा इतना मैटर भी नहीं करता अगर वो निकल भी गए तो, बस एक दो मिनट की फाइल मिसिंग है वो ज़्यादा ठीक है नो वरी है ना। वह मैं ये बता रहा था कि अपन अगर तुम लोग चाहो तो अपन एक पूरा इस जो अपना विलेज है ना इसको अगले एपिसोड में अपन कतई फुल प्रोटेक्शन प्रदान करवा देंगे अपने विलेजर्स को ताकि वो मरे ना और अपना काम चल सके है ना। और वेल मैं इनको बाद में रिप्रोडक्शन की मदद से और ब्लेजर्स कर लूँगा। और ये अबे रहने दे यार ताऊ, पहले दिमाग की ऐसी तैसी हुई पड़ी हो तू, ओ भाई मकड़ी तू बड़ी हरामी है यार हैं पीछे से हमला, अब तेरी मैं करूँ यार, ये मकड़ी इनका भी अलग ही नशे हैं बताओ, मार सके नहीं है और फिर भी मतलब हमला पूरा करेगी, मतलब मरे ना मरे वो बात की बात है भैया, कोशिश तो करो यार, ये सही बात है। हाँ बिल्कुल आई एम वेरी वेरी खुश फ्रॉम देम मकड़ी है ना, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेटेड है बिल्कुल। अरे भाई तो है क्या कि मोटिवेशन पावरा है क्या, मतलब लागे है तो वो मार लेगा हाथ में, देख मेरे का है पहले जिंदगी नरक है तेरी बावली कहीं के। वेल ठीक है अब कहीं जाकर सो लेते हैं, अदरवाइज मेरे विलेजर ऐसे ही निपट जाएंगे क्योंकि जो इनका अंगरक्षक है ना वो तो अलग ही दुनिया में ना, या मेरे को थोड़े बहुत आयरन गोलम्स भी बनाने पड़ेंगे भैया। मैं पूरी प्रोटेक्शन दूंगा अपने विलेज को, ठीक है पूरी बाउंड्री वाउंड्री बनाकर इधर लाइट वाइट लगा दूंगा ताकि यहाँ ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो सके, और जो ये अपना विलेज है ना ये यहाँ विलेजर्स के लिए कतई मस्त हो जाए। और ये लोंडा यही सही है, बस लिटरली पूरे विलेजर में बस एक ही छोरा है जो सही है, वरना सारे
सब नशेड़ी हैं, लिटरली कोई सोता नहीं है साले, सब चमगादड़ हैं। ठीक है, लीव देम, अब अपन भी सो लेते हैं ताकि ताकि इनकी हिफाजत हो सके, अदरवाइज तो मैं कितों को बचाऊंगा पता नहीं है ना। ऑल राइट, ओह तू भी सो, इसके अंदर बेड है, तू सो रहा था या क्या कर रहा था? साड़ों के घर में कुर्सी टेबल सब है, बस बेड ही नहीं है। लिटरली आधे से ब्लेजर्स के घर में तो बेड ही नहीं है, मतलब हाय राम कैसे नशेड़ी ब्लेजर हैं यार। मोटा भाई तुम क्या कर रहे हो अंदर, मतलब काम धंधा है कुछ सर तुमको या फिर? ऑल राइट सर, आपकी दीवार मतलब क्या देख रहे हो ब्रो, तो मुझे 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 भी एक्सप्लेन कर दो, मतलब कुछ है बाहर में जाए यार साहब, मैं ही मार दूंगा किसी दिन इन ब्लेजर्स को। छोटे ब्लेजर पुराना तो चलता ही रहेगा। अब आ जाते हैं अपन मेन टॉपिक पर, मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी जल्दी अपन ने तुमने क्या क्या मिस किया है अभी तक। ठीक है, यही हुआ था अपन की नाइट फाइट हुई थी, उसके बाद जैसे ही दिन हुआ मैंने बस थोड़े वो टूल्स बनाए और मैं तुरंत अपने काम पर लग गया है ना। जो मेरा सामने का आइलैंड था उस पर मैंने डर्ट क्लीन की और उसके बाद या बिल्कुल मैं उधर लग गया था काम पर, और उसके बाद मैंने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया। जैसा तुम मेरे पीछे देख सकते हो, हल्की फुल्की ग्लिम्प मिल गई होगी तुम लोगों को, बिल्कुल मैंने अपना पुराना वाला घर यहाँ पर फिर से बनाया है। बिल्कुल, तो मैंने बस टूल्स वगैरह बनाए और अपने घर के काम पर लग गया, और यहाँ बस आइलैंड क्लीन किया और उसको फ्लैट किया और उस पर घर बना दिया, यही किया है ना। End of flashback. भैया ये तो वाला हो जो मैंने सही टाइम पे रिकॉर्डर की तरफ देख लिया, अदरवाइज तो भैया पूरी रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हो जानी थी। पता है मैं कब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पता नहीं यानी कभी जाकर ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब ये तो बाद में एडिटिंग में पता चले जाने कितनी रिकॉर्डिंग हुई है और कितनी नहीं। पर मुझे भी बता देता हूँ, मैं ये जो ये एरिया है ना, ये आइलैंड है, मैं इसको मतलब है ना फ्लैट कर रहा था ताकि यहाँ पर मैं अपना अपना घर बना सकूँ है ना। हाय राम, बोला भी नहीं जा रहा कितना गंदा दिमाग खराब हुआ है। पता है इतनी ज़्यादा सही फाइट हुई थी अभी हमारी, बस मरते मरते बच गया एक क्रीपर। मैं पता है यहाँ से अपना मतलब माल मसाला कलेक्ट कर रहा था तभी ये क्रीपर फट गया, और भाई साहब जो रोड़ा हुआ ना उसके बाद, ये देखो कितनी जगह मरम्मत करनी पड़ी मेरे को। बट ठीक है, एंड ऑफ द डे बात यो है कि अपना काम बन गया है ना। यहाँ पर जो बीच का सेक्शन था, हालांकि ये पूरा मतलब वो था क्या बोलते हैं उसको, रेत थी, सैंड थी, ठीक है। पर जैसे ही मैंने एक ब्लॉक तोड़ा पूरी पूरी नीचे धस गई सैंड, तो या मैंने पूरा एरिया भर दिया। ओके अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को, तो ओके इतना सा एरिया रह गया, कोई बात नहीं इसको तो अभी भर दूंगा। बिल्कुल हाँ, इसको कब तक तोड़ूंगा, चलो सही इतना हो गया है। तो अब अपने को ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता ना है, बाकी का ये फ्लैटिंग वगैरह का काम इसको मैं बाद में कर लूँगा कभी, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता भी ना है। ठीक है, यहाँ पर अब अपना अपन घर बनाना प्रारंभ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ले लेता हूँ अपना वुड बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपने को ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो अपना काम होने से रहा। एक्चुअली मैं पूरा ही रख लेता हूँ ना यार, बच्चे कुछ को इधर उधर छोड़ने से क्या मतलब, और देख लो मैं कितना गया गुजरा इंसान हूँ बताओ, मतलब भाई कोयला खोद लाता है सब, बुड की कितनी बर्बादी की हुई है मैंने यार, वास्तव में मैं बहुत नल्ला इंसान हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अब अपन ब्लैक बुड के ये बना लेते हैं, अपने पास ग्लास हो ही चुका है, वैसे ग्लास कम सा लग रहा है मेरे को, लेट्स सी और खोद लाएंगे, ऐसी कोई बात ना है। पर मुझे नहीं लगता अपने कुछ ज़्यादा चीज़ें मिस की हैं, मेरे हिसाब से अपन ने बस थोड़ा बहुत पार्ट ही नहीं हुआ होगा रिकॉर्ड, अदरवाइज पूरा हो गया होगा, और ना भी हुआ हो तो कोई बात नहीं, इतनी भी कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी वो। चलो ठीक है, बाहर में जान दो, मिट्टी डालो इन कहीं सुनी बातों पर। अब अपन जरा अपना एक काम पर फोकस कर लेते हैं। तो अपना जो काम है ना, मेरे को एक घर बनाना है, राइट। मैं चाहता हूँ इस बार अपना पूरा घर है ना एकदम कतई रेक्टेंगल या फिर पूरा स्क्वायर हो पूरा, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं करना मेरे को, मैं अपने घर को पूरा स्क्वायर बनाऊंगा एकदम। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, एक हिस्सा यहाँ से, ओके ठीक है, यहाँ पर ये रखो, हेलो आर यू, थैंक यू, ये इस तरह रख लेते हैं। एक्चुअली ये तो मैं ऐसे भी जान दे सकता हूँ, कोई आपत्ति की बात ना है, ठीक है जाने दो। बहुत अच्छे भैया, एक लाइन से काम रह गए अपन, अदरवाइज अपना काम हो ही गया था। इसी को कहते हैं किस्मत भैया, बहुत गंदी है मेरी तो, लिटरली बहुत गंदी है। चलो ठीक, क्या ही कर सकते हैं इसका अपन। अपन एक्चुअली मेरे को जल्दी जल्दी से सोना होगा, वरना मेरे ब्लेजर्स मारे जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए मेरे ब्लेज में कोई भी सेफ्टी वेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना, सारे के सारे यूँ ही मर सकते हैं। और ओ उधर वाओ, लाइव मर्डर मिस्ट्री चल रही है, हाँ मारो सालो, तुम्हारी तो ज़िंदगी ही बर्बाद है, और एक्चुअली मेरी पूरी डर्ट ख़त्म हो गई, मैंने जब भी तो वो काम अधूरा छोड़ा था, अदरवाइज मैं क्यों छोड़ता। हाय राम, क्या क्या जाए, अब तो एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल अपन इसको, हेलो हेलो प्लीज़ प्लीज़, मैं गिरना जाऊँ, मैं पानी में नहीं गिरना मेरे को है ना, मैं पानी में अभी नहीं गिरना चाहता। एक्चुअली मुझे
कोई आपत्ति ना आए, और वैसे भी अभी सर्दी का मौसम है, मर जाऊँगा पानी में गया तो। ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं अपन, देख लो कैसी नौबत आ गई। यहाँ तो डर्ट की कमी हो गई, हालांकि मेरे आसपास दुनिया भर की डर्ट है, मिलेगा। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ बस, इसलिए मैं जा नहीं रहा लेने, वरना मैं जा सकता हूँ, कोई आपत्ति की बात ना है, बट मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं लालची हूँ। यह बिल्कुल, अब चलो इसको फिल अप कर देते हैं पूरे एरिया को, एंटायर एरिया को। बताओ ये घर मैंने मेरे लिए बनाया है, और ये हरामपुर इसमें ऐसे भटक रहे हैं जैसे इनके बाप ने इनको ये घर गिफ्ट में दे दिया हो। अरे मैंने मेहनत की इस घर के लिए, आधे घंटे से मैं लग रहा हूँ इसको बनाने, और तुम हरामपुर इसमें, मतलब खैर ये बात बताऊँ, भाड़ में जाओ तुम दोनों, ऐसे तैसे कराओ तुम्हारी। मेरे को अभी के लिए देखो, आज के लिए अपने को इस घर में कोई काम नहीं है, और मैं इस घर का काम अभी के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लग रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, और या मैंने वो अपना पुराना घर है ना, उसी डिज़ाइन का घर ये वाला बनाया है। तो अब अपन चलते हैं ओशन एक्सप्लोरेशन पे, और तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है यू ही चल रहा होगा कि भैया तुमने हमको क्यों नहीं दिखाया अपना घर बनाते हुए। तो देखो गाइस, उसका सिंपल सा रीज़न यो है कि भाई ये घर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, अपने ऑलरेडी ये पुरानी वीडियो में ये घर मैं बना चुका हूँ, तो दोबारा उसको दिखा कर मैं मतलब क्यों तुम लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, मतलब उसमें कोई मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। मैं बस बनाता रहूँगा, तुम देखोगे, इसलिए यहाँ मैंने जस्ट वो वाला सीन काट दिया। और तुम जैसा देख सकते हो यहाँ पर यह है एक शिप रैक, हालांकि ये मुझे पहले ही दिख चुकी थी ऑब्वियसली, यार मेरे को ये शिप रैक ऑफलाइन दिख गया था, पर मैंने लिटरली इसको अभी तक छुआ तक नहीं है, इसके अंदर मैं गया भी नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो वीडियो बनेंगे तभी जाएंगे। और भाई कुर्सी टेबल तो सब मस्त है, बट मेरी ऑक्सीजन की ऐसी तैसी हो गई, मैं मरने वाला हूँ, बाहर निकल, हराम खोर मरने वाले हैं अपन। 1 2 मतलब ओके, 3 हार्ट लॉस करके आए हैं, बहुत प्यारा। चलो सही, ऐसे ही कर करके इसको घूम लेंगे, पर इसके अंदर मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं, मैं तो यूँ सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा ना हो जाए कहीं पे कि भटक लिए और इसके अंदर कुछ ना मिला, भैया बहुत कट जाएगा अपना ऑलमोस्ट। ठीक है, और ओके इसके अंदर है, बट मेरी हेल्थ की जो ऐसी तैसी हो गई, मैं मरने वाला हूँ भैया। ठीक है, इस बार मुझे दिख चुकी है चेस्ट कहाँ पर है, तो मैं सीधा ही उसी रूम में जाऊँगा, और चल ले भाई, वो देवता चल ले, बहुत प्यारा। मैंने सोचा सीधा जाऊँगा, बट भैया सीधा ही हमारे नसीब में कुछ हो नहीं सकता ना, वही तो बात है। चलो ठीक है, फटाफट से नहीं भाई, वो कहाँ है, हेलो, हाय राम, भूल गया, बहुत सही, चलो ऊपर फिर से, और क्या करें। इस तरह तो मुझे लागे मैं मतलब या बिना कुछ प्रेशर वेसर के ही निपट जाऊंगा। ठीक है, खा पी के अपनी हालत सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर से या एक और डाइव मारेंगे। और वैसे तुम लोगों को पता नहीं मैंने दिखाया या नहीं, यहाँ से दिखेगा भी जाने नहीं, हाँ आ आ नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, मेरा घर यहाँ से नहीं दिख रहा। मेरे को एक्चुअली अपने घर पे मार्क लगाना चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि मेरा घर है कहाँ पे, या मैं दिशाहीन हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब फटाफट से नहीं देख लेते हैं जाना कहाँ है इसके अंदर, भाई खुंदस ठंडा रहा है ये गेम मुझे। ठीक है, ओके तेरे अंदर ऑल राइट, ट्रेजर मैप है, ठीक है काम आएगा, पुस्तक ये रख लो, है ना, मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, ये पंखों का मेरा कोई काम नहीं है। ओ भाई निपट लिया, मैं निपट लिया, मेरे को फीलिंग आ रही है मैं निपट चुका हूँ, भाई सब बचा लो, ये ऊपर वाले मैं तेरे भरोसे हूँ, जिंदा रख ले मेरे को। ऑल राइट, थैंक यू बहन की जय हो भैया, मरते मरते निपट के, मतलब मरते मरते बच गए अपन, बहुत प्यारा। ठीक है, चलते हैं वापस अपने घर पर, बट मेरे को ऐसा क्यों लागे है, मैं भूल गया मेरा घर है किस तरफ। ऑब्वियसली मेरा दिमाग यार, घर था कहाँ मेरा, हेलो, बताओ कितना गया गुजरा, बताओ कितना गया गुजरा इंसान हुआ है, जब से यहीं भटकने लग रहा हूँ, मेरा घर इस तरफ है, मेरे को एक्चुअली कोई मार्किंग लगानी चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि मेरा घर है किस तरफ, वरना ऐसे तो मैं ऐसे ही भटक भटक के मर लूँगा। और वेल अपने इस घर का दरवाज़ा अपन ने तब भी नहीं बनाया था, और अभी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि या बस नहीं बनाएंगे, मतलब या नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे इसके बारे में कुछ। ठीक है, तुम लोग भी बताओ मुझे कुछ, है ना, इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में और कुछ आइडिया तो। और वैसे देखा जाए तो ये ट्रेजर का तो मेरे घर के पास में ही है, तो मैं ला सकता हूँ इसको एक्चुअली, हाँ हाँ ला तो सकता हूँ। वो ठीक है, देखो ऐसा है ना, अब मैं गया हूँ बहुत
बहुत ज़्यादा थक है ना। तो अपन ट्रेजर देखो, अपन ट्रेजर के बिल्कुल ऊपर है, तो वो अपन अगली वीडियो में या खो देंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड हूँ। बिल्कुल मैं उसके संग कोई भी छिड़कानी नहीं करूँगा, है ना, जैसा खड़ा हूँ वैसा ही खड़ा रहूँगा, यहीं से इंट्रो स्टार्ट करूँगा और फिर सीधा ट्रेजर खोद के अपन अपना आगे का काम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप सभी को आज के गेम प्ले में मजा आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर, और मिलते हैं जल्दी को न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।